नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। शेखपुरा के इंडोर स्टेडियम में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रसव पूर्व सावधानियां को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री सरवन कुमार कार्यक्रम में शिरकत किए महिलाओं को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही है, जिसका नतीजा है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। बाइट ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे पहनते थे 10 साल 9 साल 8 साल 7 साल और 5 साल के बच्चे जो रेडीमेड कपड़ा पहनते थे उसमें 44% की बिक्री बढ़ी है बिहार में। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ, इतना सुकून है घरों में, सुबह तो देखिए झंझट, शाम देखिए तो झंझट, आज झंझट से भी मुक्ति, प्रताड़ना से भी मुक्ति, और हमारी महिलाएं आज गांव में कितनी खुश रहती है। इसलिए शराबबंदी के बाद जो फला फलाया है वो समाज को रोशनी देता, समाज को नयापन देता है, समाज को आगे बढ़ाता है। और शराब जैसे बुराइयों को अलविदा करने का भारत के बिहार के महिलाओं ने जो फैसला लिया, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी की सभा में 28 तारीख को 28 को अब साथ ये मठो खर उनका